Assalamualaikum friends, welcome back to my channel. It's HIBA Khan channel and मैं हूँ HIBA. मेरी आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ best moisturizers for different skin type. ये जो winter season है इसमें आपको एक अच्छा moisturizer use करना बहुत ही ज़रूरी है to get rid of the dry and dull skin. So मैंने सोचा ये वीडियो किसी के लिए भी useful हो सकती है. इस वीडियो में जो भी moisturizer शेयर कर रही हूँ ये सारे easily available है एंड सारे ही बजट फ्रेंडली है. सो टाइम वेस्ट किए बिना वीडियो स्टार्ट करते हैं. वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले एंड साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर ले ताकि अपकमिंग वीडियो से अपडेटेड रहे. वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा टू नो इन डिटेल अबाउट दिस मॉइस्चराइजर्स, क्योंकि मैंने यहाँ पर डिफरेंट ब्रांड्स के मॉइस्चराइजर्स लाया है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फ्रेंड्स, जो फर्स्ट मॉइस्चराइज़र मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ वो है निविया सॉफ्ट विटामिन ई मॉइस्चराइज़र. ये एक बहुत ही लाइटवेट मॉइस्चराइज़र है. इट प्रोवाइड्स यू फ्रेश एंड सॉफ्ट स्किन एंड इट्स कम्स विद फास्ट अब्जर्विंग फार्मूला. इसकी क्वांटिटी है 300 ml एंड इसका प्राइस है 349 rupees. ये डिफरेंट साइज़ में आपको अवेलेबल है. अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो आप छोटा कंटेनर भी मंगाकर यूज़ कर सकते हैं. लाइक आपको 100 ml की क्वांटिटी का भी मिल जाएगा इसमें. एंड ये बहुत ही बजट फ्रेंडली मॉइस्चराइज़र है एंड आपको इजीली अवेलेबल है किसी भी मेडिकल स्टोर पर, ग्रॉसरी शॉप पर या कहीं कॉस्मेटिक स्टोर पर भी आपको मिल जाएगा. अब हम इस मॉइस्चराइज़र की कंसिस्टेंसी देख लेते हैं. ये जो क्रीम है ये कम्प्लीटली वाइट कलर का क्रीम है एंड ये बहुत ही लाइट वेट मॉइस्चराइज़र है. इसे आप अपनी स्किन में अच्छे से मसाज कर लें एंड ये बहुत क्विक अपनी स्किन में अब्सॉर्ब होता है. ये मॉइस्चराइज़र सभी स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल है, लाइक नॉर्मल, ड्राई, कॉम्बिनेशन, सारे स्किन टाइप्स के लिए ये सूटेबल है. एंड मैं रिकमेंड करूँगी कि ये आपको एक बार ट्राई करना चाहिए. ये बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र है. ये ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है. मैंने ये मॉइस्चराइज़र बहुत ज़्यादा यूज़ किया है एंड इसे आप अपने मेकअप किट से पहले भी यूज़ कर सकते हैं. बहुत ही अच्छी स्मेल के साथ भी आता है एंड ये कम्प्लीटली नॉन ग्रीजी फार्मूला है. लाइक आपको कोई ऑयली शाइनी इफेक्ट नहीं देगा एंड बहुत लोग को इस तरह के ऑयली मॉइस्चराइज़र्स नहीं पसंद होते हैं एंड इसके रेगुलर यूज़ से आपकी स्किन फेयर एंड ग्लोइंग भी हो जाएगी. सो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट मॉइस्चराइज़र है वो है ये निविया क्रीम. ये ओरिजिनल ब्लू निविया क्रीम है जो मैंने प्रीवियसली शेयर किया था. उसमें डिफरेंट वेरिएंट्स आ रहे हैं निविया के, लाइक विटामिन ई एंड जोजोबा ऑयल के साथ. सो ये निविया क्रीम की क्वांटिटी है 100 ml एंड ये 140 rupees का है. इसमें भी डिफरेंट साइजेस अवेलेबल है. ये मॉइस्चराइज़र सभी ने कभी ना कभी तो यूज़ किया ही होगा. अब हम इसका कंसिस्टेंसी, टेक्स्चर देख लेते हैं. ये क्रीम वेरी ड्राई और ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत ही अच्छी है. ये बहुत ही थिक क्रीम है. विंटर्स में ड्राई स्किन वालों के लिए ये क्रीम बहुत ही अच्छी है. आप इसे रात में लगाकर सो जाइए, ये आपकी स्किन को अच्छे से रिपेयर कर देगा. बट आई डोंट रिकमेंड दिस क्रीम फॉर ऑयली स्किन पीपल बिकॉज इट्स टू ग्रीजी एंड टू थिक एंड इसकी स्मेल भी सेम है निविया सॉफ्ट मॉइस्चराइज़र की जैसे ही. मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स एंड लोशंस की बात हो रही तो हम यहाँ पर वैसलिन के प्रोडक्ट्स को कैसे भूल सकते हैं. मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वैसलिन के बेस्ट मॉइस्चराइजिंग लोशंस. वैसलिन के इन बॉडी लोशंस का प्राइस भी रिड्यूस हो चुका है. चाहे आप इसे ऑनलाइन बाय करें या लोकल मार्केट से, आपको ये डिस्काउंटेड रेट्स पर मिल जाएंगे. सो ये है वैसलिन का इंटेंसिव केयर कोकोआ ग्लो विथ प्योर कोको बटर बॉडी लोशन. ये 400 ml की क्वांटिटी में है मेरे पास एंड इसका एक्चुअल प्राइस है 325 rupees एंड ये डिस्काउंट में आपको 225 rupees में मिल जाएगा, क्योंकि ये इसका डिस्काउंट 100 rupees है. इसकी कंसिस्टेंसी की बात की जाए तो ये बहुत ही लाइट वेट मॉइस्चराइज़र है एंड इसका कलर एग्जैक्ट वाइट नहीं है, थोड़ा सा क्रीमी कलर में है ये मॉइस्चराइज़र एंड ये बहुत ही जल्दी आपके स्किन में अब्सॉर्ब हो जाता है. दिस मॉइस्चराइज़र इज सूटेबल फॉर मीडियम टू ड्राई स्किन पीपल एंड ये बिल्कुल भी ग्रीजी इफेक्ट नहीं देता है. देखिए ये मेरी स्किन में कितनी अच्छी तरीके से अब्सॉर्ब हो चुका है. आपको बिल्कुल भी
महसूस नहीं होगा कि आपने कोई मॉइस्चराइजिंग लोशन लगाया है। एंड ये कोको बटर के साथ आता है जो कि ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत ही अच्छा है। एंड इसमें एक स्ट्रॉन्ग स्मेल है कोको की। कोको स्मेल से अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो आप ये बॉडी लोशन यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो इसमें और भी वेरिएंट्स आते हैं, लाइक मेरे पास ये पॉकेट साइज वैसलिन का लोशन है जो कि 40 ml का है एंड इसका प्राइस जस्ट 45 rupees है। एंड आप इसे इजीली अपने बैग में कैरी कर सकते हैं एंड जब भी आपको फील हो कि आपकी स्किन ड्राई हो रही है तो आप यूज़ कर सकते हैं। एंड आप जब भी ट्रैवल कर रहे हो या कॉलेज हो ऑफिस हो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये शिया बटर के साथ है ये मॉइस्चराइज़र। थोड़ी सी इसकी कंसिस्टेंसी थिक है कंपेयर टू कोको बटर लोशन। सो द नेक्स्ट वन इज़ लैक्मी पीच मिल सॉफ्ट क्रीम। इस मॉइस्चराइजिंग क्रीम की बात मैंने मेरे अपनी फर्स्ट एवर वीडियो में बात की थी। ये इसमें डिफरेंट साइजेस अवेलेबल है, मेरे पास 150 ग्राम का है एंड इसका प्राइस है 249 rupees। ये आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है क्योंकि मैं जब भी अपना मेकअप अप्लाई करती हूँ इससे पहले मैं यही मॉइस्चराइजिंग क्रीम यूज़ करती हूँ क्योंकि ये 24 आवर मॉइस्चर लॉक के साथ आता है एंड ये आपको प्रोवाइड करता है सॉफ्ट एंड ग्लोइंग स्किन। लैक्मी पीच मिल का आपको मॉइस्चराइजिंग लोशन भी मिल जाएगा, जस्ट 90 rupees में है उसका छोटा सा बॉटल। एंड ये कुछ पीच कलर का मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, बहुत ही लाइट फॉर्मूला है इस क्रीम का, बहुत जल्दी आपके स्किन में अब्जर्व होता है। एंड अब्जर्व होने के बाद आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कोई क्रीम लगाया है, जस्ट प्राइमर के जैसा ये इफेक्ट कर देता है आपकी स्किन पर जिससे आपका मेकअप अच्छे से अप्लाई होगा। एंड दिस मॉइस्चराइजिंग क्रीम इज़ सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स वेदर यू आर ऑयली ड्राई और कॉम्बिनेशन। सो द लास्ट वन वी हैव इज़ सिटाफिल मॉइस्चराइजिंग क्रीम फॉर वेरी ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन। ये इंटेंस मॉइस्चर फॉर 24 आवर हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है एंड ये डर्मोटोलॉजिस्ट रिकमेंडेड है। एंड ये 453 ग्राम का है, इस पर एक्चुअली प्राइस मैंशन नहीं है। एंड ये एक इम्पोर्टेड प्रोडक्ट है, मैंने इंडिया से नहीं लिया है ये प्रोडक्ट। ये आपको इजीली अवेलेबल है ऑनलाइन वेबसाइट्स पे और ऑफलाइन भी आपको मिल जाएगा। एंड ये 80 ग्राम का प्रोडक्ट अराउंड 300 rupees में आता है। लिटिल बिट कॉस्टली है ये, बट आप इसे एक नॉर्मल मॉइस्चराइजिंग क्रीम या लोशन की तरह ही नहीं बल्कि एक स्किन ट्रीटमेंट क्रीम की तरह भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये जो भी इन्फ्लेशन रैशेज स्किन प्रॉब्लम्स है आपके वो भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है। ये क्रीम कम्प्लीटली वाइट कलर में है एंड इसका टेक्सचर बहुत ही स्मूथ है, इजीली अप्लाई होता है आपकी स्किन पर। एंड ये क्रीम विंटर्स के लिए बहुत ही अच्छा है, स्पेशली ड्राई स्किन वालों के लिए। ऑयली स्किन वालों के लिए नाइट टाइम के लिए ओके है, बट डे टाइम के लिए यूज़ ना करें क्योंकि ये आपकी स्किन को और भी ऑयली बना सकता है। एंड इसमें कोई फ्रेगनेंस नहीं है, अगर आपको उस एक फ्रेगनेंस वाले प्रोडक्ट से एलर्जी होती है तो आपको ये प्रोडक्ट ट्राई करना चाहिए। मॉइस्चराइजिंग क्रीम था वो ड्राई स्किन के वालों के था, अब मेरे पास यहाँ पर है सिटाफिल मॉइस्चराइजिंग लोशन फॉर बॉडी एंड फेस। एंड ये सारे स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल है। ये एक लाइट वेट 24 आवर हाइड्रेशन के साथ आता है। ये कंटेन करता है 6 मॉइस्चराइजर्स प्लस विटामिन ई एंड B5। ये फास्ट अब्जर्विंग लाइट वेट लोशन है, प्रोटेक्ट और इन्हेंस करता है स्किन नेचुरल मॉइस्चर और आपकी स्किन को इमिडिएटली सॉफ्ट स्मूथ और रेप्लिशनिश्ड बनाता है। ये मॉइस्चराइजिंग लोशन आपको बहुत ही स्मॉल अमाउंट में यूज़ करना है। ये बहुत ही लाइट कंसिस्टेंसी में है, लाइक आप जब इसे स्प्रेड करेंगे ये वाटर की तरह आपको लगेगा एंड बहुत ही इजीली अब्जर्व भी हो जाता है आपकी स्किन में। एंड ये मॉइस्चराइज़र मैं ये पास्ट 1 ईयर से यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इतना अच्छा मॉइस्चराइज़र है, लाइक आपके सारे स्किन प्रॉब्लम्स को भी ट्रीट करने में हेल्प करता है। लाइक एक्ने प्रोन स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा है, अगर आपके ओपन पोर्स है तो ये श्रिंक करता है पोर्स भी। एंड अगर आप इसे नायका या अमेजोन से परचेस कर रहे हैं तो आप उसमें रिव्यूज़ में देख सकते हैं, बहुत लोगों को ये डर्मोटोलॉजिस्ट ने रिकमेंड किया है क्योंकि ये एक नॉन कॉमेडोजेनिक एंड फ्रेग्रेंस फ्री प्रोडक्ट है। एंड दिस मॉइस्चराइजर इज़ सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप। सो ये थे मेरे हिसाब से बेस्ट मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स एंड लोशन जो कि ईजिली अवेलेबल हैं एंड बहुत ही ज़्यादा बजट फ्रेंडली भी है। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूले एंड कमेंट्स में भी बताएं आपको कैसा लगा वीडियो एंड इसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। एंड अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा एंड बेल के आइकन को भी क्लिक कर लीजिए। एंड मेक श्योर यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो।
टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय।